विश्वामित्र जी ने यहाँ पर तपस्या की थी और सारी सिद्धियाँ यहाँ प्राप्त की थी। विश्वामित्र वैसे ऋषि थे जिनकी जहाँ जहाँ तपस्या भंग हुई तो बड़े मायूस होते थे और उन्होंने ब्रह्मा का आवाहन किया और कहा कि हमारी तपस्या पूर्ण कैसे होगी, मैं जहाँ जहाँ तपस्या करता हूँ वहाँ वहाँ विघ्न उत्पन्न होता है। तो ब्रह्मा ने कहा कि अरे तुम गलत जगह पर तपस्या कर रहे हो, तुम्हारी तपस्या पूरी होगी जब सिद्ध पीठ में जाओगे तब। उन्होंने कहा कि सिद्ध पीठ है कहाँ? तो सिद्ध पीठ चरित्रवन में तो नाम बाद में उस पर हम आएंगे, ये सिद्धाश्रम कहा जाता था, जहाँ जो भी तपस्या किया जिसने भी किया सब ऋषियों की तपस्या यहाँ पूरी हुई। तो विश्वामित्र को उन्होंने बताया तो विश्वामित्र भी यहाँ आए तपस्या करने के लिए और अपनी तपस्या को पूर्ण करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। उसमें विघ्न बाधा मारीच और स्वभाव जो रावण के नानी के लड़के थे तो वो सब बाधा पहुँचा रहे थे और उससे बड़े वो व्यथित थे विश्वामित्र जी। उनके मन में आया कि हम क्यों नहीं, अन्य संतों ने तो कहा कि आपके पास ताकत है, आपके पास सिद्धि है, आप इनका विनाश कर दीजिए। कहा कि यही काम तो हमने किया है, जहाँ जहाँ मैं तपस्या करने गया हूँ सब जगह भंग हुआ है, अगर यहाँ भी क्रोध करूँगा तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी और उसके लिए मैं आया नहीं हूँ। क्यों ऐसा कहा? इसलिए कि यह सिद्ध पीठ है तो सिद्ध पीठ पर जल्दी क्रोध नहीं आता और सिद्ध पीठ पर भंग तपस्या भंग भी नहीं होती। तो उन्होंने बचा लिया अपने को, क्रोध नहीं किया। वो सक्षम थे कि मारी स्वभाव को मार सकते थे, ताड़िका का भी ध्वंस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति को बचाया ताकि हमारी सिद्धि जो मिल चुकी है वो नष्ट नहीं होने पावे। और वो गए अयोध्या, अयोध्या जाकर के उन्होंने राम लक्ष्मण को मांगा दशरथ जी से। पहले तो दशरथ जी ने इनकार किया, लेकिन जब वशिष्ठ जी ने समझाया कि नहीं इनको भेज दो, और उन्होंने स्पष्ट कहा, तुलसीदास ने लिखा कि इन कहाँ अति कल्याण, क्यों संकेत किया कि इनका विवाह ही नहीं होगा, बिना विवाह के चारों कुमार रह जाएंगे, इसलिए इनको जाने दो। तो विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के आए और मार्ग में उन्होंने सारे जो उनके पास संसाधन थे, अस्त्र शस्त्र थे, उसको उन्होंने दिया मंत्र के द्वारा और उनको सिद्धि प्रदान की, उनको मंत्र दिया और मंत्र प्रदान करके लेकर के आ रहे थे। मार्ग में ही ताड़िका मिली, ताड़िका का वध हुआ। यहाँ आए तो यज्ञ के समय मारी सुबाह भी आए और उनको भी राम ने मारा, मारीच को तो नहीं मारा, मारीच को तो बिन फण बाण राम ते ही मारा, सतजो जनगा सागर पारा, बिना फड़ के बाण से मारा, वह जाके मॉरिशस में गिरा।